बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। दे छोड़ जगत से आशा, तू श्याम ही श्याम कहे जा। दे छोड़ जगत से आशा, बस श्याम ही श्याम कहे जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। तू प्रीत लगा प्रीतम से, ले बांध प्रेम की डोरी। वो बंध जाएगा एक दिन, बेशक चाहे देर सवेरी। तू प्रीत लगा प्रीतम से, ले बांध प्रेम की डोरी। वो बंध जाएगा एक दिन, बेशक चाहे देर सवेरी। इंतजार तो भील ने जैसा हो, इंतजार तो भील ने जैसा। सुबह और शाम किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। दुनियादारी में फंस कर केवल रोना ही रोना। कह दे सब मर्जी है तेरी, जो होना है सो होना। दुनियादारी में फंस कर केवल रोना ही रोना। कह दो सब मर्जी है तेरी, जो होना है सो होना। जग का मत बनो खिलौना, हो जग का मत बनो खिलौना। बस एक ही ध्यान किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। कह दे मैं तो हूँ तेरी, तेरी ही सदा रहूँगी। चाहे जैसे मुझे न चाले, सुख दुख तेरे सभी सहूँगी। कह दे मैं तो हूँ तेरी, तेरी ही सदा रहूंगी। चाहे जैसे मुझे न चाले, सुख दुख तेरे सभी सहूंगी। करता चल सभी समर्पण,
करता चल सभी समर्पण, मुश्किल आसान किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। दे छोड़ जगत से आशा, तू श्याम ही श्याम कहे जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रद्धा सुमन एवं धर्म प्राण सुंदर साज जी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हे सात जी, हम सभी जानते हैं कि इस भजन के अंदर के जो भाव प्रकट होकर आते हैं वो समर्पण के भाव हैं, त्याग के भाव हैं। ये श्रद्धा विश्वास के बिना कभी निर्माण नहीं हो सकते। जिनके अंदर में यह श्रद्धा है, यह विश्वास है, वही धाम धनी के आश्रय में होकर, परब्रह्म परमात्मा के आश्रय में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा जब उनके साथ से हमारा वह संपर्क टूटने लग जाता है, वहीं से माया हमको बहा करके अपने क्षेत्र में ले जाती है। जिस प्रकार से एक मेन पावर हाउस हो और उसी से हर जिले के अंदर और उनमें से प्रत्येक घरों के अंदर, प्रत्येक घर के प्रत्येक उपकरण के अंदर जिस प्रकार से बिजली के तार को जोड़ा जाता है और बिजली की शक्ति के द्वारा सारे उपकरणों को चलाया जाता है, लेकिन अगर वह मूल तार ही टूट जाए तो इनमें से किसी घर का कोई भी उपकरण चलेगा नहीं। और ठीक इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा के साथ आत्मा जब जुड़ी हुई है, तब तक ये माया अपने क्षेत्र के अंदर हमें बहा करके ले जा नहीं सकती। परंतु मूल में यही कमी हो जाती है कि जब उनके साथ में हमारा वह मूल संबंध फीका पड़ जाता है, हम उसको भूलने लग जाते हैं, तो वही समय होता है माया के लिए कि वह माया हमें अपने क्षेत्र में बहा ले जाती है। सुंदर साज जी इस भजन के माध्यम से बड़े ही प्यारे भाव, समर्पण के भाव हमारे आगे प्रकट हुए, और ये भावों को गाने के पीछे परम आदरणीय 108 श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी, इनके सुमधुर कंठ के माध्यम से कई बार हमने इस भजन को श्रवण किया। और जैसे ही इन भावों को श्रवण करते हैं, वैसे ही हमारे हृदय के अंदर वो ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है, उस प्रेम और विनय, उस समर्पण का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से धाम धनी के श्री चरणों के साथ सदैव हम जुड़े रहें, ये भावना हमारे अंदर में प्रकट होती है। सुंदर साज जी, हम सभी जानते हैं कि ऐसे परम आदरणीय श्री ठाकुर जी महाराज जी का हमारे बीच में से चले जाना, ये उनकी यादों को, स्मृतियों को हमारे अंदर हमेशा अमर तो करते गए हैं, लेकिन एक उभरते सितारे के रूप में और एक युवा धर्म प्रचारक के रूप में
उनके यहाँ न होने की जो कमी है, इसके विषय सारा संप्रदाय जो है वह क्षति की अनुभूति करता ही रहेगा। ऐसे हमारे परम आदरणीय 108 श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए धन्य चरणों में यह विनंती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज श्री को अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इसी विनंती के आधार पर धाम धनी के श्री चरणों में हमारी भी जिक्र, हमारी भी प्रार्थना यही रहेगी कि इस महामारी, इस संकट के दौर में धनी का जो रक्षा कवच है वो हम सभी आत्माओं के ऊपर, विश्व के सभी आत्माओं के ऊपर बना रहे। और इन्हीं वचनों को लेते हुए, इसी पुकार को लेते हुए श्री राज श्यामा जी के युगल चरणारविंद में हम प्रार्थना करते हैं और आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिय न छुड़ाइयो क्षिणा, लाख तले लाल मेरे जीव के ए ही जीवना, मेरे जीव के ए ही जीवना, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुने, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटान कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सुंदर सांझ जी को हृदय से प्रणाम करते हुए आइए सुंदर सांझ जी आज की वाणी चर्चा मजल को शुभारंभ करते हैं। अब इन बीच में खतरा हक्का नावन दे, जिन दिल रस खावंदा, तित क्यों कर कोई मुँह से, तित क्यों कर कोई मुँह से, दूजा तो कोई है नहीं ए जो माया मन दज्जाल। श्री इंद्रावती सखी इलम के माध्यम से इस तारतम ज्ञान के तहत अपने हृदय के अंदर और अपनी जमात के सखियों के हृदय के अंदर इस बात को ठोक रही है, निश्चित रूप से ठोस बनाती जा रही है। दूसरा और कुछ भी नहीं, आप चाहे जितना भी टटोल लेंगे इस संसार के बीच में, किंतु दूजा तो कोई है ही नहीं। जिनका अस्तित्व है, जिनके द्वारा ये सारा संसार रचित हो करके इस प्रकार से स्थायी रूप में नजर आ रहा है, यहाँ की प्रत्येक गतिविधियों को जब हम देख पा रहे हैं तो इसके अंदर और किसी का कोई हाथ नहीं है। एकमात्र कहें तो श्री राजी महाराज के आधार पर ही और उनकी इच्छा के आधार पर, उनके हुक्म के अधीन हम इस सारे विश्व ब्रह्मांड को इस प्रचंड रूप में देख रहे हैं
और यहाँ की प्रत्येक एक्टिविटीज गतिविधियाँ जो कुछ भी हो रही है वो सब कुछ हमें इस कदर नजर आती है कि हमारा मन उससे प्रभावित हो जाता है। किंतु इलम के दृष्टिकोण से देखने पर अगर कोई अस्तित्व वाला प्रतीत होता है तो वह मेरे धाम धनी के बिना दूजा और कोई नहीं है। त्रिकाल के अंदर देख लीजिए, परंतु बिना धनी के कोई अन्य वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर बिना धनी के किसी का अस्तित्व है ही नहीं तो क्यों हम इतनी सारी यहाँ की खेल की वैरायटीज को देखते हैं, क्यों यहाँ के रात दिन के खेल को देख करके इस प्रकार से हम कईयों प्रकार के अनुभव को यहाँ महसूस करते हैं, इसका क्या कारण है, क्या वजह है। इसे भी इलम के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर प्रकाशित किया है। इसीलिए धनी श्री प्राणनाथ जी यह कहते हैं, ए जो माया मन दज्जाल, दज्जाल उसको कहा है जो माया का ही स्वरूप ले आता है और जो हमें भ्रमित करने का कार्य करता है, हमारे ध्यान को भटकाने का कार्य करता है, हमारे चित्त वृत्ति को लगने से जो रोक लेता है। जब इलम ने ये निश्चित करके दिखा ही दिया कि बिना धनी बिना खसम और कुछ है ही नहीं, इसके बाद में भी अगर ये मन भ्रमित होकर के अन्यत्र देखता रहे और तरह तरह की गतिविधियों के अंदर यह मन फंसता रहेगा तो ये कैसे हो पा रहा है। क्योंकि मन यहाँ के अच्छे बुरे लाइक्स और डिसलाइक्स के अंदर फंसा हुआ है इस प्रकार से कि वो ही एक दज्जाल का कार्य करता है, मार्ग से ध्यान को हटाने का कार्य करता है। Therefore, the mind itself is called the deceiver, दज्जाल रूप कहा गया है। अगर ये मायावी मन हमारे अंदर न होता तो क्या हम इलम के माध्यम से जिस बात को हमने सुनिश्चित किया है, दृढ़ किया है कि बिना धनी और कुछ है ही नहीं, तो क्या हम इस बात को जी नहीं सकते, हमारे पल पल जीवन के अंदर उतार नहीं सकते? अवश्य सकते हैं, लेकिन इसी मन के कारण से इतनी दुविधाओं के अंदर हम फंस जाते हैं। जब कभी जीवन के अंदर कोई अनुचित कार्य, कोई ऐसी घटना, दुर्घटना आदि हो जाती है तो मन के द्वारा उसी में हम विचलित होते हैं। तथापि श्री प्राणनाथ जी हमें यह सिखापन देते हैं कि अगर बंदगी करनी है, अगर आपने श्री राज जी की इबादत करनी है, उपासना करनी है, तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि सर्वप्रथम इस दज्जाल रूपी मन को समझें, इसके प्रकार को समझ करके इसे दृढ़ बनाएं। जो मन एक मरकट की भांति हमको नाच नचा रहा है, उसे अगर हाथों में भक्ति रूपी केला पकड़ा दिया जाए तो उसी भक्ति के द्वारा वह परब्रह्म के श्री चरणों तक अपने आप को लगा सकेगा, फोकस कर सकेगा। विचलित न होने के कारण से उसके अंदर कईयों बदलाव, कईयों परिवर्तन हम देख पाएंगे। तथापि श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी चौपाई के अंदर में फरमाते हैं, सब बंदगी एही मोमिन, मोमिनों के लिए अगर कोई बंदगी है तो वह यही है। क्या है? जो अंदर के मारे दुश्मन। जब हम अपने अंदर के भीतर के उस मनरूपी दुश्मन को जान लेते हैं और वह किस प्रकार से हमको भ्रमावरण के अंदर में डाल रहा है, माया की ओर किस प्रकार से हमको ठेल रहा है, अगर इस बात को इलम के द्वारा हम जान लेते हैं और उस मन को दृढ़ निश्चय करने का उपाय इलम के द्वारा करते हैं, यही सबसे बड़ी में बड़ी इबादत होगी, बंदगी होगी। क्योंकि मन को स्थिर किए बिना धनी चरणों में इस मन को लगा ही नहीं सकेंगे। इलम देखे ए ना कछु,
इलम ये भी तो दिखा रहा है, ये मन, जिस मन के द्वारा हम इस वक्त इस माया के आवरण के अंदर खींचते चले जा रहे हैं। हकीकत में ए ना कछु, ये मन कुछ है ही नहीं। अगर इसके अस्तित्व के विषय में पूछा जाए तो इसका क्या अस्तित्व है? माया का अस्तित्व जैसे नहीं है, ऐसे ही मन का भी नहीं है। लेकिन ये बात अपने आप से, अपने बल से हम निश्चित कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें धाम धनी जी का यह इल्म चाहिए। और ये इल्म बता रहा है, इल्म देखे, इल्म दिखा रहा है हमको, ए ना कछु, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्यों हम इस अस्तित्वहीन मन के पीछे इस प्रकार से खींचे चले जाते हैं और माया की ओर संलग्न रहते हैं? इत जरा नहीं जवाल, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस बात के अंदर शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। There is no trace of doubt whatsoever। अगर आपको यह कहा जाए कि मन का अस्तित्व है तो कैसे है? वह तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जिस प्रकार माया अंधकार स्वरूप है, वो ब्रह्म से जुड़ी हुई नहीं है, इसी प्रकार से माया से जुड़े हुए, माया से संबंधी मन रूपी दज्जाल को भी अस्तित्वहीन कहा गया है। इस बात को निश्चित करने के लिए इलम हमको तरह तरह से वाणी में समझाते ही आया है, हम समझते ही आए हैं, और आगे भी श्री प्राणनाथ जी तरह तरह से इस बात को समझा ही रहे हैं। अगर मन की कारीगरी को समझ लिया, इसीलिए मन भी स्वयं ये कहता है, जाको मोहे पहचान ही ताको हूं मैं दास, जाको मोहे ना पहचान ही ताको सदा सताऊं। ये मन का थियरी है। इसीलिए जब मन के विषय को जान लिया तो अब वह जीवात्मा सोया नहीं रहेगा, वो जाग करके इस मन का स्वामी बन करके अपने स्वामित्व को निभाते हुए इस मन को सही मार्ग पर लगाएगा। और वह सही मार्ग धनी का भजन करने में है। तो इस तरह धनी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इलम ने जब दिखा दिया कि मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो अब इस बात के अंदर कोई दो राय, कोई शंखा की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। इत जरा नहीं जवाल, जवाल कहने का मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि इस मन का कोई अस्तित्व है, इसके ऊपर हम कुछ विश्वास करें। तो साथ जी, इसीलिए कहा गया है, कीड़ी कुंजर बैठी गड़ी, कीड़ी मुख कुम्हड़ू न समाए। चींटी और कुंजर, चींटी तो हम जानते हैं, कुंजर हाथी को कहते हैं। जब चींटी ने हस्ती को निगल लिया, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है, परंतु शास्त्रों में बयान की गई है। इसका अर्थ कोई भी समझा नहीं पाए। तारतम के जरिए इंद्रावती सखी ने जब जीव और मन का विवेचन यहाँ करके बताया, तब जाकर श्री इंद्रावती कहती है, हस्ती रूपी शक्तिवान, हमारे अंदर का वो जीवात्मा है, चेतनात्मा है, जो चेतनात्मा परब्रह्म परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। लेकिन जब तक ये सोया पड़ा है, तो मन का जो साम्राज्य है वो इस प्रकार से चलता है, मन की जो मोनोपोली है वो इस प्रकार से चलती है कि वह जीव बिल्कुल स्तब्ध होकर उसी मन के पीछे पीछे चला जाता है। तो इलम हमारे लिए इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि देखिए, ये मन चींटी के समान है, ये जीव हस्ती के समान है, परंतु चींटी उस हस्ती को निगलती इसलिए जा रही है क्योंकि हस्ती को हस्तीपन होने का अनुभव नहीं है। जब वह इस दिव्य तारतम ज्ञान के माध्यम से, इस इलम के चश्मों के माध्यम से यह पहचान करेगा कि मैं कौन हूँ, ये वास्तविकता का अनुभव होने के साथ सबसे पहले वो जागृत होगा।
इसके बाद उसका जीवपन टलता जाएगा, तब कहीं आत्मा के सच्चिदानंद का स्वभाव उसमें परिलक्षित हो जाएगा। जब उसने अपने आप को इस प्रकार से पहचाना कि मैं तो परब्रह्म परमात्मा का अंश रूप हूं, तब जाकर ये मन का और उससे संबंधी माया का जितना प्रभाव उसके ऊपर पहले से पड़ रहा था उस कदर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव मिनिमम हो जाता है, क्योंकि अब उसने अपने मूल स्वभाव को पकड़ लिया। श्री प्राणनाथ जी आगे इसीलिए कहते हैं, जब हक्के इलम ए दिया तहकीक रूह को तुम, ये इलम बिना धनी जी के दिए तो आया ही नहीं है। सबसे बड़ी में बड़ी बख्शीश हमारे ऊपर धनी ने इलम को देते हुए की है। धनी जी का यह इलम ये हमारे पास जब आया तो धनी के दिए ही आया है। जैसे हम यह चौपाई को बार बार दोहराते भी हैं कि धाम धनी जी ही इलम दे रहे हैं, तुमको पढ़ाए आप खसम, खसम स्वयं ही। हमको यह जो वाणी है, अपना ज्ञान है, वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे धाम धनी ने जब इलम हमको दिया तो क्यों दिया, तहकीक रूह को तुम। हे मेरे धाम की सखियों, श्री इंद्रावती कहती हैं कि आपको तहकीक करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, आपके अंदर के वह श्रद्धा विश्वास को ऐसे मक्कम बनाना चाहते हैं धाम धनी इस इलम के द्वारा, कि हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ हो जाए, तहकीक हो जाए, निश्चित हो जाए, बिना धनी और कुछ भी नहीं है। जितना देख रहे वो मन का विस्तार है, मन की हकीकत को भी यहाँ समझा दिया है, ये इलम का काम है। जब तक ये इलम हमारे पास में नहीं है, तब तक हमारी दृष्टि के आड़े न केवल माया का पर्दा है जिसके कारण ये संसार ही नजर आ रहा था, लेकिन धनी के इलम प्रदान करने के बाद हम संसार को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ धनी का करिश्मा, धनी की पातशाही, धनी का इश्क, धनी का धाम, ये सब देख पाते हैं। तो इस तरह से श्री इंद्रावती कह रही है, कर मनसा वाचा कर मना, कोई ना बिना खसम हुकुम। हे मेरे साथ जी, अगर खसम के हुकुम के बिना, अगर मेरे धनी के बिना कोई और हो तो कहो, यही बात को मन वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा दृढ़ बना लीजिए, निश्चित बना लीजिए। So by our thoughts, words and deeds, तीनों ही प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, हमें यही सुदृढ़ बनाना है, सुनिश्चित करना है कि बिना धनी के, बिना खसम के और उनके हुक्म आदेश के बिना, यहाँ पर इस संसार का कहें या धाम का कहें, कोई एक कतरा भी नहीं बचता है। तो हमारे अंदर की झूठी मैं ही हूँ, धाम की दी हुई, धनी की दी हुई सच्ची मैं ही क्यों न हो, इन सब का आश्रय केवल और केवल हमारे धनी में है। ऐसे तो संध्या के समय हम ये गाते हैं, लेकिन ये तो पूरे दिन भर के अंदर में लागू होता है, अष्ट प्रहर 64 घड़ियां और जीवन भर लागू होता है। गाने के लिए हम संध्या के समय में स्तुति के रूप में गान करते हैं, संध्या सुमिरन आरती प्यारे भजन भरोसे दास, मन सा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस, मन सा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस, युगल चरण की आस।
संज्ञा सुमिरन आरती प्यारे भजन भरोसे दास। हे सात जी, यूं इस प्रकार से युगल चरणों की आस ही मन वचन तथा कर्मों के द्वारा हमारे अंदर निहित रहे, इस बात को इलम निश्चित करना चाहता है। जो धनी का दिया हुआ है, जो रूहों के अंदर इस बात को तहकीक मक्कम निश्चित करना चाहता है। और ऐसा क्यों है? जिस प्रकार से यह कहा जाता है, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। जब आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं तो यही आपके शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। वॉच योर वर्ड्स एंड दे बिकम योर एक्शन। जो शब्दों का प्रयोग किया वही हमारे एक्शंस, वही हमारे कर्म के अंदर भी झलकने लग जाता है। वॉच योर एक्शंस एंड दे बिकम योर हैबिट। जिस प्रकार की एक्शन कर्म से हम जुड़ते हैं वही कहीं ना कहीं जाकर के हमारे अंदर एक आदत का रूप ले लेती है। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर। एक चरित्र का निर्माण कईयों प्रकार की अच्छी बुरी आदतों से होता है। इसलिए जब हम अपने उन आदतों के ऊपर में गौर करते हैं तो उसके द्वारा ही हमारा एक चरित्र बनता है। एंड लास्ट एंड फाइनली इट इज सेड, वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी। हम हमारे चरित्र के आधार पर जो कर्म आदि कर रहे हैं यही कहीं ना कहीं जाकर के हमारा डेस्टिनी, नसीब बन जाता है, बिकम्स अवर फेट। और इसी नसीब को जगाने के लिए, जैसे कहा है, कोई ताले वाले के काज, किसी नसीबवान के लिए धाम धनी की इस वाणी को कोई सुंदर साथ लिखते हैं, उसी नसीब को उजागर करने के लिए और उसी मन वचन कर्म तीनों के अंदर में इस बात को दृढ़ निश्चय बताने के लिए, बनाने के लिए ही श्री इंद्रावती सखी इलम के माध्यम से बारंबार रूहों के दिल में इसको तहकीक करती जा रही है। तो सात जी, यो ज्यो एह विचारिये, जिस प्रकार हम इसके ऊपर विचार विमर्श करते जाते हैं, क्योंकि हर चीज को जानना वो ही आवश्यक नहीं होता है, जानने के बाद विचार विचार विचारिये, भेदिये सकल संधान, रोम रोम ताए भेद ही सत सबद के बान। किसी वस्तु को जानने के बाद उसका रिपीटिशन आवश्यक होता है, उसके ऊपर मनन अभ्यास ये भी आवश्यक होता है, विचार करना ये आवश्यक होता है। इंद्रावती सखी कहती है, यों इस प्रकार से इस बात को जब पहले समझ लिया और इसी के ऊपर विचार विमर्श करने लगे, त्यों त्यों तहकीक होता जाए। वो एक बार में तहकीक कदापि नहीं होगा, उसे तहकीक करने के लिए कई बार हम अपने गुरुजनों के पास जाकर के कहते भी हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं सवेरे शाम ध्यान में बैठती हूँ परंतु मेरा मन ही नहीं लगता। लेकिन उस मन को सुदृढ़ करना है, तहकीक करना है, उसका उपाय श्री प्रेरणा जी यहाँ बताते हैं कि जितना आप इलम के द्वारा इस बात को समझेंगे और अपने अंदर उतारते जाएंगे, उतना ही ये आपके दिल दिमाग के अंदर ठोस रूप से बैठ जाएगी, दृढ़ निश्चय हो जाएगी। और यही तो हमें चाहिए। इत जरा नूर जमाल बिना, अगर यूं इस प्रकार से करते रहे तो बिना नूर जमाल यानी धाम धन्य श्रातित श्री राजी महाराज के सिवाय रूह में कछु न समाए। यही उपाय है, अपनी इस रूह के अंदर बिना धनी के कुछ और समावेश ही न हो। हर रोम के अंदर, हर लोहू के कतरे कतरे के अंदर अगर नूर जमाल का नूर व्यापक करना है तो यही उसका एकमात्र उपाय है।
वाणी के जरिए इस बात को ठोस करके तहकीक करते जाइए, इसके बिना इसका अन्यत्र कोई उपाय नहीं है। श्री इंद्रावती सखी, इलम के माध्यम से किस प्रकार से हमारी रूह के अंदर इस बात को निश्चित कर रही है, फिक्स करती जा रही है बड़े ही सुंदरता के साथ। तो हे साथ जी, जैसा हम रोज कहते हैं कि जो भी चर्चा के माध्यम से हम श्रवण तो करते हैं, परंतु श्रवण करना वो इसका पहला कदम होगा। इसके आगे मनन करना, और मनन के आगे निधिध्यासन के माध्यम से इसको अपने हृदय के अंदर में उतार लेना, अपना बना लेना, यही हमें चाहिए। अगर आप किसी दुकान में जाकर के कोई बड़ी अच्छी सी वस्तु को, किसी हीरे जवेरात के हार को देखते हैं, तो वो अपना नहीं हो जाता, या उसके विषय की बात को जब सुनते हैं तो वो अपना नहीं हो जाता। उसे अपना बनाने के लिए कर्म के आधार पर मेहनत करके, रुपए जमा करके उसको खरीदना पड़ता है। वैसे ही जब वाणी को महज श्रवण करते हैं, तो नो डाउट इसके द्वारा हमारे कानों में ये शब्द जाते हैं और कानों के माध्यम से अंतर हृदय तक भी जाते हैं। लेकिन यदि इसे हमने मनन के माध्यम से कैच नहीं करके रखा, ग्रैस्प नहीं किया, तो यही शब्द होते हुए भी असर कर नहीं पाएंगे। इसीलिए साथ जी, इन शब्दों को, वाणी को, इस इलम को अपना बनाने के लिए धामधनी कहते हैं कि बार बार यो ज्यो एह विचारिये, जितना इसके ऊपर विचार करेंगे, मनन करेंगे, द मोर एंड मोर यू चर्न एंड द मोर एंड मोर यू विल गेन। यही बात श्री प्राणा जी समझा रहे हैं। तो सुंदर साह जी, इन्हीं सद्वचनों को हम लेते हुए आज की वाणी चर्चा मजल को यहीं पर विराम देते हैं। यो ज्यो एह विचारिये, त्यों त्यों तहकीक होता जाए, इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु ना समाए, रूह में कछु ना समाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।